गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6 से ज़्यादा ही हो गए। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर के मकबरे और बहुत अच्छी जगह है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो इसलिए पूरा देखना, स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? और अच्छे अच्छे कमेंट करना। बस मेरे को थोड़ी सी पैकिंग करनी है, ट्रैपॉड और माइक सब ये सब रखना है, उसके बाद में अपन चलते हैं। चलो जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, मैं अपना बैग लेके आता हूँ। तो ये रहा मेरा बैग। आपने इसकी पुरानी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो फिर मैं ऊपर आई बटन पे दे ही दूँगा क्लिप लिंक। चलिए जल्दी से चलते हैं, बाकी की बातें वहीं पर करेंगे और एंजॉय करिए वीडियो को, ठीक है? Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. मैं हूं ग्वालियर लड़का संभव सिंह और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं मकबरे में और ये हमारे साथ है हमारे आमिल भाई, हिमांशु इधर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तानसेन टॉम्ब के बारे में। तो ये मोहम्मद गौस का मकबरा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पीछे देख सकते हैं आपको दरगाह नज़र आ रही है। ये बहुत पुरानी दरगाह है, ये बहुत पुराने टाइम की दरगाह है। ये तो आप देखिए, ये सब ये देखिए दरगाह ये। और अभी आपको मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखा दूंगा तो आप उसमें देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस
और यहाँ गार्डन भी बहुत सारे हैं घूमने के लिए, सुबह सुबह यहाँ काफी लोग आते हैं। देखिए आप यहाँ वीडियो पोस्ट कर लेगा कैसे, ये देखिए बहुत बड़ा पार्क गार्डन है। यहाँ देखिए यहाँ आपको लोग घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुबह के टाइम यहाँ बहुत बढ़िया मौसम रहता है, सुबह के टाइम यहाँ आइए, काफी लोग आते हैं यहाँ, बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर। और आमिर भाई और बताइए मकबरे के बारे में। और ये यहाँ पर मस्जिद है, अपने सकल को दिखा के सब वीडियो दिखा। यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने आते हैं यहाँ, और यहाँ पर कबूतरों के लिए अनाज दाना गेहूँ डालने के लिए भी एक जगह बनाई गई है पर्सनल उनके लिए, तो हम आपको वहाँ ले जाते हैं। देखिए अभी दिखा देता हूँ आपको, और आमिर भाई को सब कुछ पता है, मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए आपको आज वही बताएंगे। चलो उस साइड से चलते हैं। ये हिमांशु यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बहुत चीज एक चीज़ और है, यहाँ मीटिंग बहुत लगती है बड़े लोगों की, बुड्ढों की बहुत ज़्यादा। ये देखिए आप, दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए आप कबूतरों के लिए, हम जहाँ आपसे बात हुई थी वहाँ पे आ चुके हैं आप। ये देखिए आप कबूतरों के लिए दाना डालने की जगह है, यहाँ पर दाना डालता है यहाँ पर। ये देखिए अंकल, अंकल को दिखाओ, अंकल देखिए हमारे, ये देखिए अंकल हमारे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए अंकल यहाँ पर दाना डाल रहे हैं। अंकल आप यहाँ पर डेली दाना डालते हो क्या? चक्कर बन जाता है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो अंकल आप सच में। और ये सब देखिए आप ऊपर ले ले, ऊपर देख, और ये है मेरे ऊपर मकबरा। यहाँ एक टाइम पर ये जगह देखिए आप, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये जगह देखिए, यहाँ कुछ समय पहले सोने की चिड़िया रहा करती थी, ये इसके सोने की चिड़िया। जी जी बिल्कुल, ये देखिए आपको दिख रहा होगा पॉइंट, ये देखिए ऊपर। मगर आज से कुछ सालों पहले इसको अंग्रेजों ने पता नहीं क्या करके ले गए हैं वो लोग अपने साथ, इस यहाँ पर रहा करती थी सोने की चिड़िया एक, ये ऊपर गोल, ये ऊपर वाला पॉइंट है, गोल गोल है ना जो ऊपर, हाँ इसके ऊपर। तो वहाँ तक हमारा कैमरा अभी जा नहीं पा रहा है, आगे कोशिश रही आप लोगों का प्यार रहा तो स्पाइडर कैमरा लेंगे जरूर लेंगे, जरूर DSLR लेंगे 800D वाला बकायदा। ये देखिए आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं हम मकबरे का, ये देखिए आप, ये देखिए ये बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है मकबरा, काफी इसको डाल देगा इनका ये देखिए क्या नज़ारा है कबूतरों का, ये देखिए ये यहाँ पे सुबह सुबह काफी अच्छा लगता है। सागर को संग में लाना था चलो बस सिर्फ इतना ही आज की, थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट दिखा देते हैं अभी हम आपको, हमने रिकॉर्ड किया क्या ट्राइपॉड लाने नहीं दिया हम लोगों को, इसलिए सेल्फी स्टिक से बनाना पड़ रहा है, तो आप देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बस सिनेमैटिक शॉट का मजा लीजिए। ये देखिए आप कबूतर को, ये कबूतर कबूतर कैमरा मैन जूम मारो कबूतरों में ये देखिए सारे कबूतर हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग हम लोग बनाएंगे, मैंने आपसे बहुत पहले अपनी जब मेरी माई इंस्पिरेशन वाली वीडियो आई थी मैंने आपको बताया था पूरे इंडिया में एक ही है, तो मैं अभी फ़िलहाल उधर जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हम लोग दिवाली से उसको पहले अपलोड कर देंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है आमिर भाई, ओके भाई ओके, ठीक है ये आज हम आपको मिला रहे हैं ग्वालियर के, यहाँ पे देखिए इतने गरीब छोटे छोटे बच्चे और उनके माता पिता यहाँ पे वो लगा रहे हैं दिए दिवाली के लिए, बहुत बेचारे मेहनत करते हैं यहाँ सब, कोई देखिए सब खाली बैठे हैं बेचारे, जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ दिए दुकान से खरीदें, मगर ना
ये बिल्कुल गलत है इंसान की सोच, इंसान की हाथ की मेहनत, इनकी लोगों की विचारों की। ये देखिए उन्होंने कितने डिज़ाइनदार ये चिट बनाए हुए हैं, ये लड़की देखिए, ये बेचारियों ने कितनी मेहनत से दिए बनाए अपने हाथों से, मिट्टी से, कहाँ कहाँ से इन्होंने मिट्टी इकट्ठी करके ला के मेहनत करी है। और ये यहाँ देखिए आप, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह से लोग सुबह से शाम हो जाती है इनकी, किस तरह बच्चे बेचारे ऐसे खड़े रहते हैं, कोई नहीं आता इनके पास। तो ये मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ सिर्फ दुकानों से या अच्छी जगह से ही सामान खरीदें दिए, मगर मेरे को लगता है ये अच्छी जगह है, यहाँ से भी खरीदना कोई बुरा नहीं है, बुरी बात नहीं है, यहाँ से खरीदना भी एक अच्छी बात है। बिल्कुल ये देखिए बाबा के चारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए आप सब, ये सब हाथ का कड़ा हुआ है, ये सब इनकी हाथ की मेहनत है, मिट्टी के बनाए हुए हैं सब, इसमें ये पेंट कलर सब इनके मिट्टी के द्वारा बनाया गया हुआ है। और बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपने घर में दिवाली बनाते हैं, तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगा आप सब लोगों से कि आप इनकी भी कुछ थोड़ा थोड़ा इनका दिए खरीदिए और इनकी भी घर में खुशहाली करिए, हैप्पी दिवाली बनवाइए। और बस यही है, और देखिए आप बहुत सही बात बोली है आमिल भाई ने, ये हमारे आमिल भाई, और मैं आपको अपने कुछ और दोस्तों से मिलाता हूँ, ये आकाश, ये हिमांशु, ये सत्येंद्र भाई हमारे, ये भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, और बहुत अच्छी बात बोली है आमिल ने। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और गरीबों की भी थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे भाई का जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो फिर कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अभी मेरे को जाना है एडिटिंग करने, नहीं पहले सोऊंगा फिर एडिटिंग करने जाऊंगा। चलिए मैं तो जा रहा हूँ सोने, बहुत नींद आ रही है, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है, बैग और गिर गया, अगले ब्लॉग में सब्सक्राइब कर देना। I don't see what they say in my third eye charge, yeah. Fourth dimension dynamics, I can see real far. Y'all spit at half the capacity, the other half isn't wrapped in me. The other half of your body is just wasted anatomy.